महाराजगंज जनपद के ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय करमहा में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात शिव कुमार विश्वकर्मा ने सूदखोरी से परेशान होकर रविवार रात को आत्महत्या कर लिया था। वहीं शव के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित करने का जिक्र किया गया था। वहीं आज इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल मृतक प्रधानाध्यापक शिव कुमार विश्वकर्मा के परिजनों से मिला और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हम स्वयं हैं रामासेव विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर मोहसिन खान, पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव, पूर्व मंत्री अनिल लक्ष्मीकांत निषाद पप्पू और ये जो है जिला अध्यक्ष आमिर खान और समाजवादी पार्टी के जनपद महाराजगंज के संगठन के प्रभारी महेंद्र चौहान, ये हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहाँ आए, परिवार से मिले, परिवार से हमने बात की। मृतक शिव कुमार विश्वकर्मा की 4 बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे बेटे हैं और 2 छोटी बेटियां हैं जो अभी पढ़ रही हैं, बहुत कम उम्र की हैं। शिव कुमार विश्वकर्मा एक सीधे साधे अच्छे प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर तैनात थे। घर की आवश्यकता या किन्हीं कारणों से उनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो यहाँ के एक व्यक्ति से, जिसका नाम तेज प्रताप सिंह है, उससे 2 लाख रुपए लोन लिया। 2 लाख रुपए लोन का उन्होंने अदा कर दिया, लेकिन ब्याज के रूप में 2 लाख की जगह 7,56,000 रुपये यहाँ के तेज प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने उनसे वसूल किया और आगे भी और पैसे देने के लिए बार बार टॉर्चर करता रहा, कभी मानसिक टॉर्चर और कभी शारीरिक टॉर्चर। एक दूसरे व्यक्ति हैं रविंदर सिंह हैं, उनसे 20,000 रुपये लिया और 20,000 रुपये के कर्ज चुकाने में अब तक 2 लाख उनको दे चुके हैं, वो भी रोज धमकी दे रहे थे। एक तीसरे व्यक्ति हैं रानू सिंह हैं, उनसे 35,000 रुपये लिया, 3.5 लाख रुपये से ज़्यादा वापस कर दिया। हमें नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कितना भी अगर 100% ब्याज भी लगाइए तो भी इतना पैसा नहीं होता जितना अपराधियों ने इनसे वसूल कर लिया। और घटना के दिन सवेरे से ही इतना टॉर्चर किया, वसूली के लिए बार बार आते रहे कि शिव कुमार विश्वकर्मा निराश होकर के स्कूल में उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।